हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 75 करवा रहा हूँ। ये सोशल साइंस की क्लास 9 की है, 20 जनवरी की है। और ये आपकी जो पॉलिटिकल की बुक है ना, उसमें से ये पार्ट लिया गया है। और आप जानते होंगे, पुरानी भी वर्कशीट आपने देखी होंगी, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, तो इसमें हम वोटर लिस्ट के बारे में जानेंगे कि ये वोटर्स लिस्ट होती क्या है। इन आवर कंट्री, हमारे भारत देश में है ना, हमारी कंट्री में ऑल द सिटीजन्स, जितने भी नागरिक हैं एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव, चाहे वो 18 साल के हों या उससे ऊपर हो, कैन वोट, वोट डाल सकते हैं इन एन इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के। दिस लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। एक लिस्ट है, ठीक है, जैसे ये लिस्ट है, ठीक है, ये इलेक्शन से पहले तैयार कर ली जाती है। ठीक है, क्या कर ली जाती है, तैयार कर ली जाती है। और दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्ट्रोल रोल, इसी को ही इलेक्ट्रोल रोल कहा जाता है। एंड इज कॉमनली नोन एज द वोटर लिस्ट, इसी को ही वोटर लिस्ट कहा जाता है। समझ में आ गई वोटर लिस्ट क्या होती है। वोटर लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर जो भी इंडिया के अंदर 18 इयर्स के हैं या उससे अबव है ना, तो अगर उनका नाम लिख दिया जाता है एक लिस्ट के अंदर जिसमें वो, जिसकी वजह से वो वोट डाल पाए, तो वो एक क्या है, वोटर लिस्ट है। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कि वोटर लिस्ट में कौन कौन व्यक्ति है जो वोट डाल सकते हैं। अब आ जाइए नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब क्या है कि जैसे आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनेशन। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, दोबारा पढ़ता हूँ एक बार, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जैसे मान लो अलग अलग पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस की है, आम आदमी पार्टी है, तो ये एक इलाके से अपने अपने कैंडिडेट को वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, खड़ा कर देती है कि भाई हाँ आप चुनाव लड़िए, अपनी बातें जनता तक पहुँचाइए, और जनता को जो सबसे बेस्ट लगता है ना उसको सबसे ज़्यादा वोट दे देगी, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे ना वो उस इलाके का नेता बन जाएगा, मतलब चुनाव निर्वाचक का व्यक्ति बन जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मतलब अगर हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियोस में कि अगर हम विधानसभा के चुनाव कर रहे हैं तो वो जो बनेगा उसे हम MLA कहेंगे, जैसे केजरीवाल जी MLA हैं, और अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो वो जो जीतेगा तो उसे हम MP बोलेंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी MP है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं उससे प्रधानमंत्री तय होता है, और जो विधानसभा के, ठीक है, लेजिस्लेचर के जो चुनाव होते हैं उसे मुख्यमंत्री तय होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ देता हूँ कि दोबारा से एक बार कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है नॉमिनेट करती है अपने कैंडिडेट को, हु गेट द पार्टी सिंबल, जो पार्टी का सिंबल लेते हैं उनका सपोर्ट लेते हैं। फिर क्या होता है कि पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, और जो नॉमिनेशन जिसको पार्टी चुनती है ना कि भाई आप चुनाव लड़ेंगे, तो हम बोलते हैं कि पार्टी की वो टिकट है। एवरी पर्सन, हर वो पर्सन हु विशेज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैव टू फिल, और जिसको भी इसमें पार्ट लेना है मतलब चुनाव लड़ना है तो उसको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे बोलते हैं नॉमिनेशन फॉर्म। ठीक है, एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, उन्हें कुछ पैसे भी जमा कराने पड़ते हैं जिसे सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं। ये कह रहे हैं आज ही हाल में, अभी क्या हुआ, रिसेंटली अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ना कुछ नई बातें बोली हैं तो अब उसको भी फॉलो किया जा रहा है कि एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन, हर कैंडिडेट को लीगली डिक्लेयर करना पड़ेगा, गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, अपनी सारी डिटेल बतानी पड़ेगी, सीरियस क्रिमिनल केसेस, कि जो भी उसे सीरियल, जो सीरियस क्रिमिनल केसेस है ना उसके ऊपर, वो सब उसको बताने पड़ेंगे। पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, और जो भी पेंडिंग है अभी मतलब कोर्ट में चल रहे हैं, डिटेल्स ऑफ द एसेट्स, उसे सारी एसेट्स के बारे में बताना पड़ेगा, उसके ऊपर कितनी संपत्ति, कितना पैसा है, एंड लाइबिलिटीज, कितने कर्जे हैं उसके ऊपर ऑफ द कैंडिडेट, एंड हिज और हर फैमिली, उसकी और उसकी फैमिली पर कितने हैं, तो वो भी उसे बताना पड़ेगा। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, उसे भी बतानी पड़ेगी वो कितना पढ़ा लिखा है। दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक,
उसे जनता को बताना पड़ेगा ताकि जनता जान सके कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, ये सही बंदा है, ताकि हम इसे वोट दे या ना दे डिसाइड कर पाए। ठीक है, दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। और इसी से जो भी व्यक्ति होते हैं, आम जनता होती है, वो डिसाइड कर पाएगी, डिसीजन ले पाएगी कि हम किस व्यक्ति को जो है चुने, किस व्यक्ति को वोट डालें। ठीक है, आगे देखिए इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। देखिए, जब आपने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, ठीक है, अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपनी बातें जनता को बताएंगे नहीं कि भाई मुझे आप वोट क्यों दें, मेरी पार्टी अगर जीतेगी तो मेरी पार्टी क्या करेगी। ठीक है, तो वो सारा का सारा इलेक्शन कैंपेन में आ जाता है। आओ और जाने इलेक्शन कैंपेन, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। मतलब ये कह रहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब लोग स्वतंत्र रूप से तय कर पाएँ कि कौन सबसे बेटर है, किसको हम चुने, किसको चुने हम, विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट। और हमें ये पता हो कि कौन सी पार्टी अच्छी सरकार बना सकती है, और वट इज़ अ गुड पॉलिसी, और एक अच्छी पॉलिसी किसकी है। जैसे बहुत सारी पार्टीज खड़ी हो रही है ना, तो आपको चुनना है कि कौन सी पार्टी आपके भविष्य के लिए सबसे अच्छी है। और दिस इज वॉट हैपन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, और ये इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान ही सब कुछ पता लगता है, क्योंकि सारी पार्टीज अपनी अपनी पॉलिसीज बताती है, अगर हम जीत गए तो ये वादा करते हैं, हम ये करेंगे, फिर आपको जो सबसे बेस्ट लगे, हाँ भाई ये हमारे लिए बिल्कुल सही है, हम किसी प्रकार के कोई लालच में नहीं आ रहे, हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, हमारी पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है, इस प्रकार से जो देश के लिए सबसे बढ़िया हम उसको चुन रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम तय कर सकते हैं। इन अवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक्स पीरियड। ये पता है ये जो कैंपेन है ना, ये 2 वीक लेता है, 2 हफ्ते मिलते हैं इनको। ठीक है, बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, फाइनल लिस्ट एंड द डेट ऑफ द पोलिंग। जिस दिन फाइनल लिस्ट कैंडिडेट की है, मतलब जैसे आज फाइनल लिस्ट है, तैयार हो गए भी कौन कौन चुनाव लड़ेगा, और जिस दिन वोट डालना है उसके बीच में 2 हफ्ते मिलते हैं, वो अपना कैंपेन चला सकते हैं, लोगों तक अपनी अपनी जानकारी सारी दे सकते हैं, 2 हफ्ते में जितनी इन्फॉर्मेशन लोगों को पहुँचा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हमारी पॉलिसी अच्छी है, हमें वोट दें, तो वही तय होगा। समझ में आ गया तक? ठीक है, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, हमारे इलेक्शन लॉ क्या है, क्या हमारे इलेक्शन में क्या क्या नियम बने हुए हैं। पहला, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर। कोई भी पार्टी, ठीक है, किसी भी और कोई भी कैंडिडेट को, ठीक है, रिश्वत नहीं दे सकती, धमकी नहीं दे सकती किसी वोटर को। मतलब कोई पार्टी हो या कोई कैंडिडेट हो, कोई पार्टी का कोई बंदा है या पार्टी है, तो किसी भी पर्सन को वो ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देना, रिश्वत नहीं दे सकती, और धमकी नहीं दे सकती, ओए मुझे वोट ना दे दो तेरे को बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात, ये पॉइंट्स में आप याद करना, ठीक है, अपील टू देम इन नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। ये नहीं कह सकती कि हम हिंदू जात के हैं, मुस्लिम जात के हैं, सिख जात के, किसी जात के, धर्म के, तो हमें इस नाम पर वोट दे दो, ऐसा कोई पार्टी नहीं कर सकती। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, और कोई भी जो सरकारी साधन है उनका प्रयोग नहीं कर सकती वोट डालने के लिए, सरकारी जो चीज़ें होती है ना उसका प्रयोग नहीं कर सकती वोट डालने के लिए। ठीक है, एंड स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कंस्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन। अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, तो कोई भी जो कैंडिडेट है उस क्षेत्र के में, तो 25 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता, और 10 लाख इन कंस्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शन। अगर असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो देखो लोकसभा के इलेक्शन से क्या होगा, प्रधानमंत्री तय होता है, और असेंबली के इलेक्शन से क्या होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो आगे देखिए, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन अवर कंट्री, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है ना हमारी कंट्री में, हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हमारी कंट्री ने ना कि जितने भी सारी पार्टीज हैं उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट को अपना लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पता क्या होता है, जब इलेक्शन हो रहा है ना, तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को पालन करना है, तो कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे देश में। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। मतलब अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तो धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करेगी। जैसे मान लो कहीं पूजा स्थल है, कहीं पूजा हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो बोले कि हाँ भाई हमें वोट दें, तो किसी धार्मिक जगह पर जाकर वोट के लिए नहीं कह सकती कोई पार्टी। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, और कोई भी सरकारी व्हीकल्स का, एयरक्राफ्ट का, या ऑफिशियल जो भी चीज़ होती है इलेक्शन की, वो यूज़ नहीं कर सकती। एंड वंस इलेक्शंस आर अनाउंस, अगर एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाए, तो कोई भी मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई नींव का पत्थर रखने जा रहा है, या भाई मैं इस ये घोषणा करने जा रहा हूँ, ये नींव रख रहा हूँ, ये उद्घाटन कर दूंगा लोगों को आकर्षित करने के लिए,
तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। मिनिस्ट्री शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है समझ में आ गया, टेक एनी बिग पॉलिसी, और कोई भी ऐसी बिग पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं करेगा, वादा नहीं करेगा पब्लिक को, ताकि पब्लिक को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। आगे सुनिए, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। अब जब भाई देखो, अब वोट का दिन आएगा, फिर क्या होगा, वोट डालेंगे, उसके बाद फिर वोट की काउंटिंग होगी। तो अब आगे सुनो, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे, फाइनल स्टेज कब होती है इलेक्शन की, जब उस दिन जिस दिन वोट डालेंगे, वोटर कास्ट करेंगे अपने वोट को, ठीक है, पोल देयर वोट, अपने वोट को जब वो प्रोवाइड करेंगे डालेंगे, ये कह रहे दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, जिस दिन वोटर अपने वोट को कास्ट करते हैं ना, है ना, उस दिन को हम बोलते हैं इलेक्शन डे। नाउडेज आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, और फुल फॉर्म भी आती है कि ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल ईवीएम का यूज़ किया जाता है वोट डालने के लिए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, ऑन फिक्स डेट, एक फिक्स डेट को ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी आर ओपन, फिर सारी की सारी ईवीएम्स जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी की है ना, उनको ओपन किया जाता है। एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, और सबके वोट को गिना जाता है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर अलाउड टू सिट इन पोलिंग बूथ, और जहाँ वोट गिन रहे हैं ना, वहाँ वो बैठे होते एजेंट अलग अलग पार्टीज के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबके। ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ था, एंड ऑन द डे ऑफ काउंटिंग टू इंश्योर, और जिस दिन इलेक्शन हो तो उस दिन भी बैठे होते हैं, और जिस दिन काउंटिंग हो तो उस दिन भी इसलिए बैठे होते हैं दैट द इलेक्शन एंड काउंटिंग इज डन प्रॉपरली, ताकि जो इलेक्शन हो रहा है, जो काउंटिंग हो रही है, वो सही से हो पाए, कोई भेदभाव ना कर पाए। मान लो 10 गिने, उन्हें जान के 12 गिन दियो, है ना, तो धांधलीबाजी हो सकती है ना, गलत हो सकता है ना, तो ऐसा कुछ ना हो। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाइस्ट नंबर, और जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं वोट के फ्रॉम द कंडेंसी इज डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड, उसे इलेक्टेड कह दिया जाता है। जैसे मान लो एक कैंडिडेट को मिले 100, एक को मिले 120, एक को मिले 130, एक को मिले 121, तो कौन सा कैंडिडेट उस इलाके का जीत जाएगा, 130 वाला, ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्टेड। क्या बोलेंगे, इलेक्टेड। अब आप देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब इसके आंसर देख लीजिए, फिर समझते हैं, फिर करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोल रोल। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रोल रोल है, इसका क्या, इससे आप क्या समझते हैं। द इलेक्ट्रोल रोल इज द लिस्ट, इलेक्ट्रोल रोल एक ऐसी लिस्ट होती है दैट कंटेन्स द नेम ऑफ पर्सन, जिसमें पर्सन का नेम होता है एलिजिबल टू वोट, जो वोट डाल सकते हैं, जो वोट डाल सकते हैं। आगे सुनिए बच्चों, द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज 18 ईयर्स, ठीक है, हैज द इलेक्ट्रोल रोल कंटेन द नेम ऑफ दोज पर्सन, इसलिए इलेक्ट्रोल रोल में केवल उन्हीं पर्सन का नेम होता है हु हैव कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स एलिजिबल टू वोट, और जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि देखो उनका वोटर आईडी कार्ड भी तो बना होगा, तभी तो वो दे पाएंगे, है ना, इसलिए आप 18 से ऊपर हो गए, आपने वोटर आईडी कार्ड बनाया नहीं, तो कैसे आप दे दोगे वोट, आपको पूरी तरह से एलिजिबल भी होना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, आपके अनुसार एक कैंडिडेट के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, इलेक्शन में अगर वो भाग ले रहा है तो, या कॉम्पिटिशन कर रहा है, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बताइए। क्या किसी गुंडे मवाली को हम इलेक्शन के लिए अलाउ करें, आपकी क्या राय है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। बाकी ये सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुसार, देयर शुड बी सर्टेन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, कि एक कैंडिडेट के अंदर कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन होने चाहिए, कुछ शैक्षिक गुणवत्ता होनी चाहिए उसके अंदर, टू कंटेस्ट द इलेक्शन सम ऑफ विच आर एज फॉलो। जब देखो लॉन्ग क्वेश्चन हो ना, ऐसे जरूर लिखा करो, फिर उसके बाद आंसर दिया करो। द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द कैंडिडेट इन एन इलेक्शन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए पहली बात तो मैंने, आप ये लिख सकते हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर देनी चाहिए। जैसे आप खुद सोचिए, इतने बड़े गवर्नमेंट की जॉब होती है, क्या उस पर किसी को भी ले लेते हैं, हर किसी के अलग अलग कैटेगरी बना रखी कि भाई ग्रुप डी का है तो 10वीं पास या 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, बैंक में नौकरी करने तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, आईएएस ऑफिसर बनना तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, होता नहीं होता। तो वोटिंग में भी तो एक तरह से उसको रोजगार मिल रहा है, जनता की सेवा कर रहा है, तो क्या रोजगार तो ले रहा है, उसके बाद भी क्वालिफिकेशन फिक्स करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए इंडिया के अंदर। तो मेरी ये राय है, आपकी भी ये राय है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इट शुड ऑल्सो बी डिसाइडेड फॉर द कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन दैट इफ देयर इज एनी क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एनीवन, ठीक है, और ही कैन नॉट
कंटेस्ट इलेक्शन, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का भी डिसीजन लिया जाना चाहिए, अगर किसी के लोग कोई भी क्रिमिनल केस है तो उसको वोट मतलब चुनाव में लड़ने ना दिया जाए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। देखो इसको आप पॉइंट्स में लिख देना, अभी हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मॉडल होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के, जब चुनाव हो रहा होता है तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज पर दिस, ये पहला पॉइंट लिखना, नो कैंडिडेट और पार्टी शैल यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। मतलब अगर इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रही है, अपने बारे में प्रचार कर रही है ना, तो किसी भी वर्शिप प्लेस का यूज नहीं करेंगी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, गवर्नमेंट व्हीकल्स, कोई भी सरकारी व्हीकल है जैसे एयरप्लेन हो गया, ऑफिशियल कोई भी या ऑफिशियल कोई भी होगा, विल नॉट बी यूज फॉर द इलेक्शन, कोई भी ऑफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करेगी, ठीक है, दो पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद वंस इलेक्शन आर अनाउंस, एक बार इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाए तो नो मिनिस्टर कैन टेक द फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट, कोई भी नींव का पत्थर नहीं रखेगा भाई, हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, हम ये करके दिखा देंगे अगर हम जीत गए तो, कोई भी नहीं करेगा। फिर या ये इसी के साथ कर लेना, और एनी न्यू पॉलिसी बिग डिसीजन, कोई भी नई पॉलिसी का डिसीजन नहीं लेगा कि अगर हम ये वाली पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देयर कैन बी नो प्रोमिस ऑफ प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ पब्लिक फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कोई भी एक नई प्रकार की फैसिलिटी अनाउंस करने की कोशिश नहीं करेगी आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन, ठीक है। जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट जो है ना वो ये नहीं बोलेगी कि हम जनता को ये सेवा देने जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करेगी, पॉइंट्स में लिख देना। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द एजेंट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग। ये कह रहे हैं कि जो एजेंट्स होते हैं ना, जो एजेंट्स होते हैं अलग अलग पार्टीज के, वो जब वोट डाल रहे होते हैं या जिस दिन गिनती हो रही होती है वोट की, तो उस दिन वो क्यों प्रेजेंट होते हैं। एक रिक्वेस्ट हो रहा है बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब आंसर सुनो, क्यों होते हैं लोग, ऑन द डे ऑफ वोटिंग एंड काउंटिंग द एजेंट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट, एजेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, सो दैट दे कैन सी द वोटिंग बाय देमसेल्व्स, ठीक है, ताकि वो खुद देख सके वोटिंग किस प्रकार से हो रही है, टेस्ट इट, उसका टेस्ट कर सके, एंड व्हेन द काउंटिंग टेक प्लेस, जब काउंटिंग होती है तो दे कैन सी, वो ये देख सकते हैं देयर दैट इज नो बायस, किसी प्रकार कोई भेदभाव ना हो, एंड एवरीथिंग इज बीइंग डन विद ट्रांसपेरेंसी, मतलब हर कोई जो चीज़ है वो ट्रांसपेरेंसी हो सके, पारदर्शिता से हो सके, कुछ भी छुपके ना हो। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी की सारी वर्कशीट जो है करवा दी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।